इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। मुंबई बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को आज ईडी ने समन करके पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां पर सुबह 11:30 बजे इकबाल सिंह चहल पहुंचे और करीबन 4 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। आपको बता दें, ये पूरा मामला कोविड सेंटर्स में कथित 100 करोड़ के घोटाले को लेकर है, जिसकी शुरुआत उस एफआईआर से होती है जो बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने पिछले साल अगस्त के महीने में मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था। उस एफआईआर में किरीट सोमैया ने सुजीत पाटकर, जो संजय राउत के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनकी एक कंपनी लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज के ऊपर ये आरोप लगाया था कि इसी मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ मिलकर इकबाल सिंह चहल ने कोविड सेंटर्स जो मुंबई के दहिसर, वर्ली और मेस्को के ग्राउंड में बनाया गया था, उसमें मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल मेडिसिन के साथ साथ जो डॉक्टर्स और नर्सेस और बाकी जो सपोर्टिंग स्टाफ था, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर जो प्रोसेस होता है, उसमें बड़े पैमाने पर कथित धांधली की गई थी, जिसकी वजह से जिस समय पेंडेमिक अपने पीक पर था तो इलाज में कई लोगों की जाने भी गई और जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो बीएमसी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट जो प्राइवेट कंपनीज को, फर्म्स को दिए गए थे कोविड सेंटर बनाने के लिए, उसमें बड़ी कथित धांधली की गई थी, जिसका कुल आंकड़ा 100 करोड़ के ऊपर जाता है। हालांकि इकबाल सिंह चहल ने आज जो ईडी के सामने पेशी के दौरान अपनी सफाई दी, उसमें उनका साफ तौर पर कहना था कि जब ये एफआईआर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी, उसी दौरान उन्हें इसके बारे में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उस दौरान उन्होंने अपने पक्ष रखते हुए ये साफ कह दिया था कि उनके पास कोई ऐसी टैलेंट कंपनी नहीं थी बीएमसी के पास, जिसके जरिए कोविड सेंटर बनाने और उसके साथ साथ डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को अपॉइंट करने की कोई फैसिलिटी हो, जिसके लिए उन्होंने इसके इस नाम के लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज नाम की कंपनी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की और इसका पूरा सेटअप किया। हालांकि वो फिर से मनी लॉन्ड्रिंग इस मामले को लेकर उससे उसमें शामिल होने या उसकी जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति और खास तौर पर बीएमसी में एक नया भूचाल खड़ा कर दिया है। कैमरा पर्सन संतोष पालवनकर के साथ अतो सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।